हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। अब शुरुआत करेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। राइट, सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हो इस सब्जेक्ट की बहुत जरूरत है, और वो क्यों है, कैसे है, अब मैं आपको बताऊंगा। एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ मिनट, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि मेरा सब डेटा ठीक दिख रहा है क्या। ओके, ऑल गुड, ठीक है। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। इस सब्जेक्ट का नाम है, बताएंगे कौन सा मैनेजमेंट, दिस इज व्हाट, कम ऑन एवरीवन, दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिल्कुल सही कहा। और इसका चालू है, ओके डन, ओके गाइस, इस असुविधा के लिए हमें खेद है। इंटरनेट का कनेक्शन कभी कभी लॉस हो जाता है, आप जानते हैं भारत में इंटरनेट की प्रॉब्लम्स ही है, हमेशा से रही है, और कभी कभी ऐसा होता है ना, फ्लक्चुएशंस आती है। अभी ऐसा हुआ कि अचानक से इंटरनेट बंद हो गया था, अब एकदम से चालू हो गया। नाउ आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम। और मैंने अपने सामने भी मोबाइल पर वो लगा कर रखा है ताकि मुझे भी समझे कि मैं कैसे दिख रहा हूं, ठीक है ना। आई होप अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट सिखाता है कि हमने पैसे कैसे कमाना चाहिए, बाय यूजिंग, बाय मेकिंग सम स्ट्रेटेजीज, कौन से बिजनेस में आना चाहिए, वो सब करने का तरीका, पैसे कमाना सिखाता है एसएम। पर दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट यह सिखाता है कि पैसों को हम लोग मैनेज कैसा करें, तो पैसे कमाए हुए हैं उसको मैनेज कैसे करें। अब जो एफएम सब्जेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी अलग है। एग्जांपल के साथ में मैं आपको समझाऊंगा कि एफएम की जरूरत क्या होती है। जैसे अगर आप मुझे कहोगे सर आप एफएम का प्रैक्टिकल यूसेज कब से करने लगे, तो मैं कहता हूं बचपन से, क्योंकि मेरे पापा का बिजनेस था, मेरे पापा ने बहुत सारे पैसे कमाए, तो उन्होंने हमेशा मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी कि उनके पैसों को मैं मैनेज करूं। तो पहले हम लोग डिसाइड करते थे, वी यूज्ड टू एनालाइज किसको एफडी में लगाना है, क्या गोल्ड में डालना है, क्या सिल्वर में लगाना है, क्या इसको शेयर मार्केट में डालना है, या डिबेंचर में डालना है, या बॉन्ड्स में डालना है। ये सारी बातें मैं पहले से ही कंप्लीट करते आता, और हम लोग डिसाइड करते पापा और मैं कि हम लोग ने पैसे कहां लगाना चाहिए ताकि हमारा जो रिटर्न है उस पर ज्यादा है। इंसान पैसे जब लगाता है तो क्या सोचता है कि उसके अंदर से उसको जो मिलने वाला मुनाफा है वो ज्यादा होना चाहिए। आई थिंक जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, काफी लोगों ने, आपने ऑलरेडी काम की होगी आपके पापा मम्मी के बिजनेस में, आपने ध्यान दिया होगा, आपने उनको हेल्प करी होगी कि आखिर हमने पैसे कहां लगाना चाहिए ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए। ये अगर चीज हम लोग करते तो समझ जाना हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बचपन से ही करते आ रहे थे। यह सब्जेक्ट आपको यह नहीं सिखाता कि हमने कौन सा धंधा करना चाहिए, यह सब्जेक्ट यह सिखाता है कि धंधे में जो हमने प्रॉफिट कमाया है उसको हमने कहां पे लगाना चाहिए, और धंधे के लिए पैसे कहां से लाना चाहिए। तो यह सब्जेक्ट जो एफएम सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एफएम सब्जेक्ट इज अ प्रैक्टिकली ब्रोकन डाउन इंटू टू पार्ट्स। इसमें दो चीजें होती है, इसमें वैसे 8 चैप्टर्स है और दो चीजें इसमें सिखाई जाती है। एक तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, मतलब कहां से हम लोगों ने पैसे लाना चाहिए। ये सब्जेक्ट के दो 8 चैप्टर्स है, बहुत ही सिंपल, एकदम ऐसा बात बताऊंगा आपके दिमाग में एकदम ठोक देंगे। एफएम सब्जेक्ट में दो चीजें होती है, एक तो पहले सिखाएगा कि पैसे कहां से लाना है और कौन सी जगह से लाना है, और फिर दूसरी चीज समझाता है कि पैसे जो लाए हैं हमने वो कहां लगाना चाहिए। तो एक कहते हैं प्रोक्योरमेंट और एक कहते हैं इन्वेस्टमेंट, बस प्रोक्योरमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एफएम सब्जेक्ट। तो एफएम सब्जेक्ट के जो 8 चैप्टर्स है, 4 चैप्टर टॉक्स अबाउट प्रोक्योरमेंट और दूसरे 4 चैप्टर टॉक्स अबाउट व्हाट इसको इन्वेस्ट कहां पे करें। सो दोस्तों आओ आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, आइए आइए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां पे बस ये रही आपके सामने वो चीज, आइए देखते हैं। ये चीज को आपको समझना है और इसके बाद में आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान लगेगा समझने के लिए। देखते हैं सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा आज बारी बारी। जी हां चेक इट आउट, ये रहा आपके सामने, आपके सामने स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा।
तो देखिए, इस तरह का ये सिलेबस है जिसमें 8 चैप्टर, ये जो जो एक एक जो टाइप्स ऑफ फाइनेंस दिख रहा है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिख रहा है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारे हमारे सिलेबस के 8 चैप्टर्स हैं और ये 8 चैप्टर्स को एग्जामिनेशन में 60 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो दोस्तों, सबसे पहली बात तो चलो आओ एक एग्जाम्पल लेते, आओ एक एग्जाम्पल लेते और उस एग्जाम्पल से समझते हैं प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स क्या होता है। चलो दिवस, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि पैसे लाने, जैसे कि मैं, मेरा दोस्त है जिसका नाम है मयूर है, one of my friend's name is Mayur, and recently we have started or we are planning to start more projects also. हमने पुणे में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चालू करने का सोचा है। हम चाहते हैं कि हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए, फ्लैट्स बनाए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाए, दुकानें बनाए, ऑफिस बनाए। ये हमारा बेसिक काम, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये सब काम करें। आप मुझे बताओ, क्या जब इंसान ये बिल्डिंगे बनाता है, एग्जाम्पल बिल्डिंग से लेता है, लेट इट बी एनी बिजनेस, पर अभी हम लोग एग्जाम्पल समझ रहे कंस्ट्रक्शन की, जो रियल लाइफ है, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ओके फाइन, कम ऑन, कॉन्सेंट्रेट। तो आप मुझे बताओ, ये काम करने के लिए जब मैं कोई बिल्डिंग बनाऊंगा, जब कोई रो हाउसेस बनाऊंगा या फ्लैट बनाऊंगा, मुझे क्या लगेगा? लैंड, लेबर, स्टील, सीमेंट, इस तरह की चीजें बहुत सारी लगी। तो ये सब चीजें करने के लिए क्या लगेगा? पैसे लगेंगे, ऑफ कोर्स पैसे लगेंगे। कोई भी अब लैंड लो तो पैसे लगेंगे, सीमेंट लाए तो पैसे लगेंगे, स्टील लाए पैसे लगेंगे, लेबर कॉस्ट पैसे लगेंगे। इसका मतलब कोई भी धंधे के सपने सजाने के लिए आपके पास में पैसों का होना जरूरी है। और ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा कि पैसे लाते कैसे, उसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट। इंसान धंधे सोचता है, पर धंधे सोचने के अगमान से सोच ले कि उसको बिल्डर बनना है, उसको रियल एस्टेट में जाना है, कोई भी बिजनेस में जाना है, या फिर उसको ज्वेलर बनना है, या उसको कुछ भी बनना, लेट इट बी एनी बिजनेस। वो बिजनेस की आइडिया सोचने के बाद में फिर सोचता है, अरे ये पैसे कहां से लाए? हमारे सपनों को सजाने का काम ये पैसे करता है, इसलिए हमारा प्रोक्योरमेंट जानना जरूरी है। अब आपसे सवाल है, आप सभी से सवाल है, आप मुझे बताओ कि पैसे कहां कहां से ला सकते हैं हम लोग, कौन से सोर्सेस अवेलेबल है, कहां कहां से पैसे लाए जा सकते हैं? कैन यू प्लीज तभी पैसे लाने की जगह कौन सी है बताएंगे? अगर आपने अकाउंट्स भी कुछ ऐसी चीजें पढ़े, रेज यू व्हेन इफ यू वांट टू रियली रेज फंड्स ऑन द मार्केट, कैन यू प्लीज टेल मी कौन सी जगह है जहां से हम लोग पैसों को उपलब्ध करवा सकते हैं, बताएंगे? नंबर वन, जैसे कि हम लोग शेयर मार्केट से पैसे ला सकते हैं, शेयर मार्केट से हमारी कंपनी का आईपीओ ला के कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग डिबेंचर ला के, तीसरी बात बैंक के लोन्स लेके, चौथी बात ऐसे बहुत सारी, हमारे खुद के रिजर्व्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जो हमारी जमा पूंजी, हमारे खुद के पैसे जो होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। जो है दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग तरीके से, मेनली डेट और इक्विटी से पैसे ला सकते हैं। तो इन सारे अलग अलग जगहों से जब हम लोग पैसे ला रहे हैं, वेरियस सोर्सेस, यहां पर मैं एक्सेट्रा लिखता हूं, और भी बहुत सारे फंड्स है। आप मुझे बताओ, इस तरह से जब पैसे रेज करते हैं, तो मेरा एक सवाल है आपको, ये सीए इंटर का छात्र होने के नाते आपको पता होना चाहिए, कल अगर आप कोई बिजनेस में जाएंगे तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि व्हाट ऑल सोर्सेस आर अवेलेबल विथ यू, कौन सी जगह से आप पैसों को आपके सामने उपलब्ध करवा सकते हो। इसीलिए चैप्टर नंबर वन आपके सामने आता है, जो आपको सिखा रहा है टाइप्स ऑफ फाइनेंस। इस चैप्टर वन में सिखाया जाता है कि कौन से जगह से पैसा लाके मैं और मयूर बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो मैंने और मयूर ने ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए? टू मेक अस अंडरस्टैंड, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आखिर हम लोग पैसे कहां कहां से ला सकते हैं, कौन सी मार्केट से पैसे ला सकते हैं और उनके अंदर क्या रिस्क है। चलो एक सवाल है सभी लोगों से, बहुत ही खास है, दिमाग लगेगा, जवाब दे देना। बताओ, जब भी हम लोग कभी मार्केट से पैसे लाए तो आपको क्या सोचना ज्यादा जरूरी है, क्या जरूरी है सबसे ज्यादा, क्या सोचकर पैसा लाते हो आप? एक काम कर दो, सोचो ही मत, सब कुछ डिबेंचर क्यों नहीं लाते, सब कुछ शेयर क्यों नहीं लाते? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि शेयर से लाए पैसे हैं, क्या डिबेंचर से लाए पैसे हैं, क्या लोन से लाए, कैसे निर्णय लिया जाएगा, किन मुद्दों को सामने रखा जाएगा, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू कैन डिसाइड कि कौन सा आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस होना चाहिए। देवांश बताएंगे, जाओ कुछ भी कर लो, एक काम करो, 100 करोड़ चाहिए डिबेंचर ले लो, एक काम करो 100 करोड़ का आईपीओ ले लो। क्या सोचते होंगे लोग, कुछ डेट लाते, शेयर्स लाते, क्या दिमाग में होता होगा? बिल्कुल सही जवाब है,
जब भी हम लोग कभी मार्केट से बाजार से पैसे उपलब्ध कराते हैं अपने धंधों के लिए, तो सबसे पहले दिमाग में बात आके होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट सबसे कम होना चाहिए। यानी कि एफएम नाम का सब्जेक्ट ये कहता है कि आपको बिजनेस करने के लिए प्रोक्योरमेंट करना जरूरी है, और प्रोक्योरमेंट करते समय आपके दिमाग में सबसे पहले एक बात होना जरूरी है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसकी कॉस्ट कम से कम होना जरूरी है, यानी कि आपने प्रोक्योरमेंट अच्छा कर दिया। अगर आपने प्रोक्योरमेंट कर लिया, पैसे आपके आ गए, आपकी कॉस्ट मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा है दोस्तों, तो आपने सही काम नहीं किया, आप तो घाटे में चले जाएंगे। अंडरस्टैंड करो, इसलिए चैप्टर नंबर 2 हमारे सिलेबस में आता है जो हमें समझाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये पूरा चैप्टर है जिसमें कॉस्ट ऑफ क्या, देखो चैप्टर 1 के संबंध चैप्टर नंबर 2 से है। चैप्टर नंबर 1 समझाता है यहां है आपसे पैसे ला सकते हो, फिर आप अभी बोलेंगे आखिर कैसे मैं डिसाइड करूं कहां से लाना है। चैप्टर नंबर 2 आपको समझाता है कि आखिर कौन सी चीज की कॉस्ट कितनी होती है। भाई जब मैं पैसा लाऊंगा तो मैंने सोचना चाहिए कि उसकी कॉस्ट कम से कम हो। मैं डेट, मैं शेयर्स, मैं लोन सबको कंपेयर करूंगा, और या फिर प्राइवेट लेंडिंग वालों को भी चेक करूंगा, मेरे दोस्तों से भी पूछूंगा कि तुम कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, मैं बैंक से भी पूछूंगा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, और मैं उसी के सेलेक्ट करूंगा जिसकी कॉस्ट कम हो। एक बात पूछे आपसे, पूना का एग्जाम्पल दो प्रैक्टिकल लाइफ में। मेरे कुछ फ्रेंड्स बिल्डर हैं, मैंने उनसे पूछा कि जब तुम बाजार से लोन लाते हो तो कितने में गिरता है, तो बोलता आजकल बैंक हमें 12-13% दे देती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा पूना में और भी जो बिल्डर्स है जिनका नाम है, एक बहुत बड़ा बिल्डर जिसका नाम पंचशील है, तो मैंने पूछा मेरे दोस्त को, बहुत बड़ा वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डर पूना के हैं, आप अभी भी चेक कर सकते हो, चोरडिया जी उसके ओनर है। मैंने पूछा कि भाई साहब ये जो लोग हैं उनकी जो प्रोग्रेस है वो कुछ ज्यादा ही है, तुम लोग भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हो, वो भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, आखिर उनकी ग्रोथ इतनी हुई कैसे है, प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग आगे उस स्पीड से क्यों नहीं बढ़ सकते हो। बोलता है सोर्स ऑफ फाइनेंस। मैंने कहा मैं समझा नहीं। मैंने कहा तुम्हारी बिल्डिंग भी अच्छी है, उनकी बिल्डिंग भी अच्छी है, वो उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है, तुम्हें प्रॉफिट कम होता है। वो बात कहने लगा पैसे तो हम भी लाते हैं और पैसे तो वो भी लाते हैं, हम इंडिया के बैंक से पैसे लेते हैं और वो फॉरेन की बैंक से, वर्ल्ड बैंक से पैसे लाते हैं, और ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए। उन्होंने अपने कंपनी का रेपुटेशन इस तरह से बढ़ाया हुआ है कि उनको जो लोन, उनको जो फंड्स मिलते हैं उसकी कॉस्ट 3-4% से ज्यादा नहीं होती है, और हम इंडिया के बाजार से पैसा लाते हैं हमारी कॉस्ट ही 9% यानी कि 12% उनकी 3 होती है, हमारी 9% से बढ़कर 12% हो जाती है, तो बताओ उनका फायदा कैसे ज्यादा होगा। ऑब्वियसली उनका ज्यादा ही होगा क्योंकि उनकी कॉस्टिंग कम है, यानी कि वो सस्ते रेट पे फ्लैट बेचते भी है फिर भी वो मुनाफा कमा जाते हैं। इसलिए याद रखना दोस्तों, पैसा उपलब्ध करने के लिए उपलब्ध करना जरूरी नहीं। दिमाग में याद रखो पैसा लाना आसान है पर सस्ते में पैसा लाना कठिन है, यह बात आपको दिमाग में रखना है। जो इंसान सोचो ना 9% अगर उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, यानी कि 9% तो आज ही फायदे में है। इसलिए दिमाग रखना, चैप्टर नंबर 2 आपको समझाएगा कि कैसे हम लोग इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए चैप्टर नंबर 2 आपको दिया जाता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। आइए कुछ और देखते हैं, चलो आपसे कुछ बातें करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं, देखते हैं आपका नॉलेज कितना है। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ चीज आ रही है, अरे आगे कैसे बढ़े। ओके, आपके सामने 4 ऑप्शंस है, आपके पास में 4 ऑप्शंस है, ये भी मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। चलो पर इससे पहले मैं आपको बात समझाता हूं, एक बात का ये क्वेश्चन पूछने से पहले मेरा एक सवाल आपसे है कि हमने अगर पैसे लाने के लिए 2 चैप्टर्स को हमने देखा, एक देखा हमने टाइप्स ऑफ फाइनेंस और दूसरा देखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपसे मेरा एक प्रश्न है, पैसे लाते समय क्या सोचना चाहिए और पैसे लगाते समय क्या सोचना चाहिए,
एफएम के दो चीजें, थोड़ा दिमाग लगाइए। प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस करते समय आप सोच लो कि उसकी कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। तो आपसे मेरा सवाल है, जब आप वो पैसे लगाते हो अपने धंधे में, और मतलब मैंने और मयूर ने अगर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में पैसा लगा तो हमने क्या सोचकर पैसे लगाना चाहिए? पैसे लगाते समय तो सोचते कि कॉस्ट कम होना चाहिए, पर पैसे लगाते समय क्या सोचना चाहिए? कौन से धंधे में पैसे लगाए? आप सभी जानते हो आजकल धंधे करने वालों के लिए हजारों धंधे उपलब्ध है, तो आप बताएं कौन से धंधे में पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट कहां करें, कौन सी जगह पे गए? मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं तो थिएटर का बिजनेस चालू कर दूं, मेरे पास ऑप्शन है मैं सीमेंट का फैक्ट्री खोल दूं, मेरे पास ऑप्शन है मैं ज्वेलर बन जाऊं, मेरे पास में ऑप्शन है मैं रियल एस्टेट में चले जाऊं। आप बताओ भाई और बहना कि मैंने कौन से धंधे में जाना चाहिए जिसका रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा है। बिल्कुल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर, यहां पर सही जवाब प्राप्त हो रहा है, आपने भी शायद से दिया होगा। हमारी कॉस्ट अगर 10% है और जिस धंधे में मैं पैसे लगा रहा हूं अगर उससे रिटर्न अगर 9% आया, तो एक काम करो भाई साहब, कुछ ना करो, घर में बैठ जाओ। धंधा करने के लिए दुनिया को तमाशा दिखाने का नहीं है कि मैं धंधा कर रहा हूं, करो, कर लो, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए पैसे लाना पहले देखो कि उसकी कॉस्ट कितनी, और यह देखो कि लगाते समय उसमें से पैसे कितने आने वाले हैं। कॉस्ट इज हायर देन द बेनिफिट्स, इट्स बेटर यू शुड सिट आइडल, यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस बिकॉज बेनिफिट शुड बी ऑलवेज हायर देन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मेरी प्रोक्योरमेंट करते समय 10% अगर है और उसका बेनिफिट अगर 12, 14, 18, 20 आ रहा है, तो इसका मतलब आपने वो धंधा करना चाहिए, वरना सिर्फ काम करने के लिए काम करना, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मेहनत सही जगह पे करना जरूरी होता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं बोल रहा हूं नहीं, ये एफएम सब्जेक्ट सिखाएगा। आज बैच का पहला दिन है, आपको देखो कैसा है ना, अगर मान लीजिए मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, अकाउंट्स आपको 11th 12th फाउंडेशन में, इसलिए इंटरमीडिएट में अगर अकाउंट्स के टीचर ने डायरेक्टली अकाउंट्स चालू भी कर दिया ना, तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यू हैव गॉट सम बैकग्राउंड ऑफ इट। बट इफ आई एम स्टार्टिंग डायरेक्टली विद एफएम का पर्टिकुलर चैप्टर, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई द हेल आई एम सिटिंग इन द क्लासरूम एंड आई डू नॉट इवन नो ये सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है क्या। जब तक मैं इस सब्जेक्ट के स्कोप को ना बता दूं, जब तक मैं विस्तार में आपको यह ना समझा दूं इस सब्जेक्ट की जरूरत क्यों है, तब तक इस सब्जेक्ट के चैप्टर में घुस के क्या फायदा है। और मैं वापस से कह रहा हूं, FM सब्जेक्ट ऑसम सब्जेक्ट है। इफ यू आस्क मी सर, तीनों सब्जेक्ट जो आप पढ़ाते हो उसमें सबसे अच्छा कौन सा लगता है? प्रैक्टिकली FM ऑसम लगता है, इट्स टू गुड, बिकॉज वो जब पढ़ेंगे ना आपको धीरे धीरे एहसास हो जाएगा कुछ अलग ही चीज है। कई लोगों ने आप में देखा होगा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे शेयर मार्केट में डील करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। देखो भाई साहब, शेयर मार्केट में दो टाइप के लोग डील करते हैं, एक भगवान पर विश्वास करते हैं और दूसरे नॉलेज पर विश्वास करते हैं। हमें भगवान पर विश्वास करने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें वो समझ वो लोग चाहिए जो ऐसी स्क्रिप्ट में और ऐसी बाजार में ऐसी शेयर ऐसी कंपनी के शेयर ले जिसका बैकग्राउंड, जिसका नॉलेज, जिसकी बैलेंस शीट आपने स्टडी करके रखी हो, जिसके पीएनएल, जिसके कैश फ्लो को आप पूरी तरह से जानते हो। हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर बनना है। अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मैंने शेयर मार्केट में अपनी जिंदगी बनाना है, मुझे म्यूचुअल फंड में जाना है, मुझे सिक्योरिटी मार्केट में काम करना है, तो आपके लिए ही सब्जेक्ट बना हुआ है। दिस सब्जेक्ट विल मेक यू अंडरस्टैंड टू डिसाइड कि कौन से कंपनी में पैसे लगाना जरूरी है और कौन से कंपनी में हमने नहीं लगाना चाहिए। आम जनता देखते हैं, उसने बोला उससे पैसे लगा दो तो लगा दे, या फिर भगवान को पूछते हैं, भगवान मैं जहां भी लगाऊं मेरे पैसे बढ़ जाए। भगवान कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा आपका नॉलेज करेगा। यू शुड हैव अ कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि किसकी बैलेंस शीट अच्छी है और किस में पैसे लगाएं या किस में न लगाएं। यह सब्जेक्ट आपको इतना नॉलेज दिलाएगा कि आप खुद अपने बुनियाद पर यह डिसाइड कर पाओगे कि आपने कौन से कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। इसीलिए सब्जेक्ट को सीखो, बहुत मजा है इसके अंदर। मतलब कुछ दिनों बाद तो आपको ऐसा लगेगा चलो लेट्स इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, लेट्स अर्न। हो सकता है इस क्लास के सुनने के बाद आप इतने प्रभावित हो जाओगे कि आपका खुद का डीमैट अकाउंट बन जाएगा और खुद इन्वेस्ट करने लोगे। मैं आपको उस कैपेबिलिटी का बना दूंगा। ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा डिजाइन किया है, बहुत शुक्रगुजार हम आईसीए के उस बंदे के कि जिन्होंने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराया। काफी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बिल्कुल बोरिंग है, ऑसम। ओके दोस्तों, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आओ दोस्तों, आज एक समय आ चुका है आपके साथ में बैलेंस शीट को शेयर करते हैं। आओ आप बताएंगे देश की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको हम रील कहते हैं। और इसके आप जानते हो उसके एमडी और चेयरपर्सन कौन है? मुकेश जी अंबानी, राइट? आइए दोस्तों देखते हैं मुकेश अंबानी आजकल
बहुत सुर्खियों में है जब से फेसबुक ने उनकी कंपनी में 9.99% का इन्वेस्टमेंट किया जियो के अंदर, और उस 9.99% लेने के लिए फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने 43,000 करोड़ रुपीज लगाया। यानी कि 43,000 करोड़, कितनी बड़ी संख्या होती है 43,000 करोड़। तो दोस्तों आइए आपके सामने देखते हैं मुकेश अंबानी की बैलेंस शीट। दोस्तों इसकी बैलेंस शीट इस सब्जेक्ट में नहीं देखोगे तो किस में देखोगे? सर इसके क्यों बाकी लोग नहीं? बिकॉज ये भारत की ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। ये तो रिचेस्ट पर्सन तो है ही, पर ये भी इनके नाम पर रिकॉर्ड है कि इनकी कंपनी का मुनाफा जो है वो सबसे ज्यादा। चलो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप बताएंगे, अनुमान है आपको एक साल में कितनी कमा लेती है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड? मैं टर्नओवर की बात नहीं कर रहा, मैं अर्निंग की बात कर रहा हूं। कैन यू प्लीज टेल मी? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, एंड द आंसर इज दे आर अर्निंग मोर देन 35,000 करोड़। दोस्तों 35,000 करोड़ जो है ना, मैं 35,000 रुपए नहीं बोल रहा हूं, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, आई एम टॉकिंग अबाउट 35,000 करोड़। आपको शायद से लिखते भी नहीं आएगा इतने पैसे वो कमाता है। ये मैं सारे खर्चे जाने की बात की संख्या बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टर्न ओवर। लोगों के टर्न ओवर भी नहीं होते, इमेजिन करो आपके धंधे का टर्न ओवर कितना है, तो आपको समझ में आएगा इंसान कितनी बड़ी चीज है। आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आज सौभाग्य हमारे कि हम इनकी बैलेंस शीट देखने जा रहे हैं, बहुत ही मजा आएगा आपको। आपके सामने बैलेंस शीट, दो तो ये रहा, ये सुनहरा मौका आप देख जा रहे हैं, आपके सामने सबसे बड़ी खबर आपके सामने। दोस्तों आइए इनकी बैलेंस शीट पहले देखते हैं और देखते हैं इनका नेट वर्थ। आप जरा 2016 से लेके 2020 तक आप देख सकते हैं इनके पास के नेट वर्थ 4,24,584, यानी कि 4 लाख अटका कुछ, रुको रुको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है लेक्चर में, एक मिनट चेक करो माइक चेक। अटक रहे ना अभी कुछ, एक मिनट समझ आएंगे, बस मुझे मेरे बंदे से बात करने दो, कहीं ऐसा ना हो मैं आगे चले जाऊं और मेरा लेक्चर खराब हो जाए। आज फर्स्ट डे, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस, डोंट वरी। अटक रहा है कुछ, इतना लेक्चर अटक रहा है, जल्दी करो ठीक, नहीं ना क्या हो रहा है, स्टार्ट कर सकता हूं मैं, एक बार चेक करते रहना। ओके लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट कर दो, मैं पढ़ा रहा हूं। ओके गाइस कैन यू सी, ओके गाइस हम लोग कहां थे, हम लोग देख रहे थे बैलेंस शीट आपके सामने। क्या हुआ ये, भाई कैसे होगा, वो टच नहीं होगा ना। हेलो कुछ तो हुआ है, चेक करो बस, मुझे गूगल क्रोम खोल के दो, जल्दी करो, चालू अभी ठीक है, डन।
दोस्तों आपके सामने ये जो बैलेंस शीट दिख रही है दोस्तों, ये जरा बैलेंस शीट देखने लायक है। सर आप ये बैलेंस शीट क्यों दिखा रहे हैं भाई? इसको दिखाना बहुत जरूरी है। आपने देखा नहीं भाई, इस बंदे का रिजर्व देखो, रिजर्व इसको जमा पूंजी कहते हैं। आप सभी लोग जानते हो, आपने अकाउंट्स पढ़ाए, जो प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं पर जो खर्च नहीं होता है उसको हम लोग रिजर्व कहते हैं। ऐसे रिजर्व उनके पास में 1,00,000 करोड़ नहीं, 2,00,000 करोड़ नहीं, 3,00,000 करोड़ नहीं, बल्कि 4,00,000 करोड़ से ज्यादा। मैं नॉट टॉकिंग अबाउट 4 लाख, 4,00,000 करोड़ से ज्यादा का रिजर्व है भाई। आप समझते हो कि रिलायंस कितने धमक के मार्ग में, 4,00,000 करोड़ किसको बोलते हैं भाई? इसीलिए तो ये इंसान कुछ भी करता है, लोग भी डरते हैं। He is just crazy. He is earning so much, 4,00,000 करोड़ का रिजर्व है। आप मुझे बताओ इस समय पे आपको बैलेंस शीट में और एक चीज दिख रही है, सिक्योर लोन दिख रहा होगा, अनसिक्योर लोन दिख रहा होगा। आपने ध्यान दिया होगा टोटल लाइबिलिटी इनकी 6 करोड़ के ऊपर की है, पर उस लाइबिलिटी में कुछ डेट्स है यानी कि लोन्स है, उसमें कुछ इक्विटी कैपिटल है, कुछ रिजर्व्स है। यानी कि आपको लगता है इनके बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड है उसमें कॉम्बिनेशन है डेट का, इक्विटी का, उसके आपको लगता नहीं ये जो कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं कि पूरा डेट है, ऐसा नहीं कि पूरे शेयर है, ऐसा नहीं कि पूरा रिजर्व है, इस जो कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, जो है चैप्टर नंबर 3। यही कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारी लायबिलिटी साइड में। जो चीजें हम लोग लेते हैं देखो, प्रोक्योरमेंट यानी कि पैसा लाते हैं, कुछ पैसा इन्होंने अपना खुद का निर्माण किया जिसको हम लोग रिजर्व कहते हैं, कुछ पैसा हमने क्या किया, कमॉन कुछ हमने डे भी लिया, पूरा डेट नहीं लिया। क्या एक सवाल पूछो मैं आपसे, पूरा डेट क्यों नहीं लिया? पूरा क्या, पूरा डेट लेने का नुकसान क्या है? सभी लोग मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूरा क्या पूरा डेट लेने का नुकसान क्या है? क्या प्रॉब्लम होगा? What wrong can happen if I'm taking entire loan? क्या होगा? मैं शेयर से, मैं इक्विटी रेज नहीं करूंगा, मेरे पास रिजर्व नहीं होगा, पूरा क्या पूरा मैं लोन ले लूंगा, तो आप मुझे बताएंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? कमन देवांश बता सकते हैं? नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा, मैं डेट लूंगा, शेयर नहीं दूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है when I issue dates, जब मैं लोन लेता हूं ना मेरी रिस्क बहुत बढ़ जाती है। रिस्क इसीलिए बढ़ जाती है कि मैं पैसे कमाऊ ना कमा, मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना जरूरी हो जाता है। इसलिए बेवकूफी ना करें भाई और बनो, पूरा डेट निकालने का काम ना करें, पूरा क्या पूरा डेट लेने का। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी को डेट नहीं मिलेगा मार्केट में? वो चाहते तो पूरा डेट खड़े कर देता, पर उसने अभी भी अपना ओनरशिप डायल्यूट किया, ओनरशिप उन्होंने अपना डायल्यूट किया, उन्होंने पूरा के पूरा शेयर्स इशू नहीं किया, उन्होंने ओनरशिप डाइल्यूट किया, यानी कि लोगों को बोला कि तुम हमारे कंपनी में ओनर बन जाओ, क्योंकि जो शेयर्स हम लोग इशू करते हैं उसकी लायबिलिटी नहीं ज्यादा होती, बिकॉज हम लोग कमाए तो डिविडेंड देंगे और नहीं कमाए तो नहीं देंगे। पर डेट केस में द थिंग्स आर टोटली डिफरेंट, वेदर आई एम अर्निंग आई एम नॉट अर्निंग, मुझे इंटरेस्ट देना जरूरी है, इट इज वेरी रिस्की। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में समझाया जाता है कि कैसा कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए, क्या इक्विटी ज्यादा होना चाहिए या डेट ज्यादा होना चाहिए, क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, और किस तरह से हमने पैसे लाना चाहिए, पूरा शेयर्स नहीं, पूरा डेट नहीं, कैसे कॉम्बिनेशन में ला सकते हैं, इसको सिखाया जाता है। क्योंकि शेयर्स अगर पूरा ले लेंगे तो पूरी ओनरशिप डायल्यूट हो जाएगी, सब लोगों को हमारी, जैसे अगर मैं मुकेश अंबानी अगर डेट नहीं लिए होते और पूरे आईपीओ लेकर आ जाता, पूरे शेयर से पैसे लेते, तो उसका खुद का ही ओनरशिप कम हो जाता, इसलिए उसने पूरा अपना ओनरशिप डाइल्यूट नहीं किया। आज भी जितना मैंने लास्ट टाइम देखा था 45% से ज्यादा का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है आज भी मुकेश जी के हाथ में है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया? 45% यानी कि 100% अगर है तो 45% बंदे के पास ही, 55% के लोगों बाहर से लिया हुआ है। एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि इसका मतलब यह समझना चाहिए आपने कि कोई भी कंपनी का जो डेट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, डेट मतलब कि जो हम लोग लोन से या डिबेंचर से पैसे लेते हैं, और इक्विटी मतलब हम लोग शेयर्स, आपने सुना होगा आईपीओ एफपीओ, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। तो एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा हाल ही में, चलो आओ एक न्यूज देखते, इस न्यूज के बाद में आप मुझे समझाना मुकेश जी ने कदम क्यों उठाएगा। जब आप देखते हैं न्यूज पता है आपको, तो आपको यह नहीं पता ऐसा हुआ क्यों, आइए देखते ना। अब देखते हैं दोस्तों ये न्यूज आपके सामने क्या है।
I trust that all of you are safe. कौन है ये? I am here to share with you some exciting news today. All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst to make बराबर है, ठीक है, मैंने किया, ठीक है, ठीक है, सॉरी मेरी आवाज मैंने म्यूट किया था पहले, वापस चालू नहीं किया, आई थिंक यू कैन हियर मी ना, राइट, ओके, ठीक है, सो दोस्तों मैं कह रहा था किसके बारे में, आई वॉज टॉकिंग अबाउट मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बारे में, मैं बोल रहा कि अगर भगवान के भगवान का जो स्थान होता है मंदिर में वैसा ही स्थान है एफएम के सब्जेक्ट में मुकेश अंबानी का। अगर आप एफएम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपको अगर मुकेश अंबानी के बारे में नहीं पता तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। दोनों के बारे में जानने की कोशिश करिएगा, एक अनिल और एक मुकेश। जब बंटवारा हुआ था दोनों की स्टेट सेम हुआ करती थी, सिर्फ एक बंदे ने कहा कि मैं इंडस्ट्री रखूंगा अपने पास ही बिकॉज मेरे पापा की कंपनी है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और दूसरा बोला मुझे कैपिटल चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे कैश रिच बनना है। एक समय तो यह भी था, जानकर आपको हैरानी होगी, जब इनका बंटवारा हुआ रिलायंस मनी, रिलायंस कैपिटल, ये सारी चीजों में पैसा होने की वजह से, अनिल अंबानी के पास कैश पिच होने की वजह से वो भारत के टॉप 10 के लिस्ट में हुआ करते थे, और तब उस समय पे मुकेश अंबानी भारत के टॉप 50 में भी नहीं थे जब बंटवारा हुआ। सोचने की बात है, बहुत बड़ी बात है साहब। इंसान का निश्चय, इंसान का निर्धार ऐसा होना चाहिए मुकेश अंबानी जैसा। इन्होंने बहुत सारे धंधों में पैसे नहीं लगाए। एक अनिल अंबानी सवेरे एक कंपनी खरीद रहा है, शाम को वो कंपनी ले रहा है। अरे कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया तुमने अनिल जी? कहां डाले आपने पैसे? खास आप एफएम सब्जेक्ट को पढ़ लेते, आपके भाई से सीख लो। वही धंधे किए उन्होंने जो उनके समझ में आए, कभी ये लिया कभी आपने वो लिया, एक भी धंधे में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। आखिरी में क्या हुआ, बैंक को भी बर्बाद कर दिया, खुद का दिवाला निकल गया आपका। और रही बात मुकेश जी की, ज्यादा धंधे नहीं किए, तीन धंधे थे जो उनको विरासत से मिले थे, और चौथा धंधा चालू किया उन्होंने रिलायंस जियो। बस इन चार धंधों के अलावा कुछ नहीं किया, पर उनमें दो भी काम किया। यानी कि सोचिए, पैसे दोनों के पास सेम थे, आज 13 साल 14 साल 15 सालों के अंदर एक बर्बाद हो गया और एक इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया। जो 50 में नहीं था वो रिचर्च बन गया, और जो टॉप 10 में था वो उसका दीवार निकल गया। दोनों के बीच में एक फर्क है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसलिए कहता हूं, पैसे कमाना आसान है पर पैसों को संभालना
उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अनिल जी काश ये सब्जेक्ट पढ़ लेते ना, आज ये नौबत नहीं आती। आज बैंक को भी बर्बाद किया, खुद भी बर्बाद, एम्प्लॉय बर्बाद, सारे स्टेक होल्डर बर्बाद, दिवाला निकल चुका है इस बंदे का। क्यों एफएम सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा? आइए देखें इनके बारे में कुछ खास कर आपके सामने। ये मुकेश जी जिन्होंने मैं इनकी न्यूज सुना रहा हूं, बस एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे। ये आपके सामने है अनिल अंबानी, जरा ध्यान से देखिए, मैं विकिपीडिया पे ले रहा हूं आपके सामने अनिल अंबानी, और विकिपीडिया से देखते क्या हुआ है। ही इज द चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस ग्रुप विच वॉज क्रिएटेड इन जुलाई 2006 फॉलोइंग अ डीमर्जर फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ही लीड्स अ नंबर ऑफ स्टॉक लिस्टेड कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर। एक भी प्रॉफिट में नहीं, सब बर्बाद है। रिलायंस कम्युनिकेशन, जो आप जानते हैं पहले सबसे पहले रिलायंस आई थी, रिलायंस कम्युनिकेशन आकॉम, जिनके शेयर्स ले लेके लोग डूब गए। काश आपने ठीक से धंधे किए होते ना अनिल जी, कई लोग बच जाते। आपके नाम पर लोगों ने विश्वास किया और आप लोगों को बर्बाद किया। लोगों ने यह सोचा रिलायंस है, पर लोगों को क्या पता था इस रिलायंस के पीछे अनिल भाऊ है। आगे आइए, अंबानी वंस द सिक्स्थ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और आगे बढ़ते हैं, हिज मेजर बिजनेस इंटरेस्ट इन द एंटरटेनमेंट 44 एफएम रेडियो। देखो भाई, तुम जो काम आता वो करो ना यार। इधर पैसे लगाया, मजाक लगा रखा है तुमने, इधर पैसे लगाया, उधर लगाया, इधर लगाया, अरे जो आता वो करो ना यार। ये कौन सा फाइनेंस मैनेजमेंट है तुम्हारा? अरे पैसे दिए भगवान की दया से पैसे मिले तो उसको संभालो, ढंग से लगाओ, सही जगह पे लगाओ, उस धंधे में लगाओ आपको समझ पड़ता है। ये भी कर लू, वो भी कर लू, ये भी कर लो सब, अब क्या मिला? आइए देखो क्या मिला। देखो देखो भाई देखो, जरा बुरा मत मानिए अनिल जी, पर जो दिल का दर्द है, हमने भी आपकी कंपनी के शेयर्स लिए थे और आपने दुनिया के साथ साथ में हमको भी बर्बाद किया। आइए देखते हैं। देखो यहां पे लिखा है, इस लाइन को मैं ठीक से पढ़ता हूं, थर्ड लाइन पढ़ रहा हूं। डिक्लेयर बिफोर यूके कोर्ट ऑन फेब्रुवरी 2020 दैट हिज नेट वर्थ इज जीरो एंड ही इज बैंकक्रप्ट 2020 में। क्यों? आपके एफएम के लैक ऑफ नॉलेज की। एक जमाने में लोग आपको सबसे ज्यादा विज्ञानी मानते थे। क्यों मालूम है? यू वर द फर्स्ट पर्सन जिसने इंडिया के अंदर फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लिया, जिसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते थे। फॉरेन बैंक से पैसे लाने वाले आप भारत के एक्सक्लूसिव पहले आदमी हो, पर आपको पैसे लाना आया साहब, पैसे लगाना नहीं आया। शायद से आपने एफएम का चार चैप्टर ही पढ़े थे पहले, दूसरे चार चैप्टर पढ़े ही नहीं। प्रोक्योरमेंट पढ़ा, इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ा आपने। कमाल करते हो आप, आपके भाई से सीखना था आपने। देखो दुनिया के बिजनेस करे, आफ्टर हिज फादर्स डेथ अनिल अंबानी टुक ओवर। क्या क्या कर दिया भाई? रिलायंस ग्रुप विद द इंटरेस्ट ऑफ टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे अरे कितना कितना, इतने काम करने की जरूरत ही नहीं था साहब, सीखना था आपने आपके भाई से। कोई बात नहीं है, देखो आपके भाई ने क्या काम कर दिखाया। फेसबुक तक मजबूर उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आइए देखते खास खबर। भर की इंडस्ट्री हराशाही हो गई है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी से माना जाएगा, 9.99% कुल मिलाकर आप इसे कह सकते हैं 10% के आसपास, 10% से थोड़ा सा कम, 1% की कमी। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसे कहा जाएगा फेसबुक की जियो में। देखिए 43,574 करोड़ रुपए की ये डील है। उस मसले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद है हमारे संवाददाता रक्षित सिंह। रक्षित, ये डील के पीछे की कहानी क्या है? विकास, देखिए जिस तरीके से फेसबुक का सबसे बड़ा जो बाजार है वो भारत ही है, और जिस तरीके से व्हाट्सएप की जो यूजर बेस है वो हिंदुस्तान में ही सबसे बड़ा है, तो कहीं ना कहीं जियो प्लेटफॉर्म्स में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है, यानी कि जियो के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन उसमें ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। और अब एक और इसके साथ में महत्वपूर्ण डील हुई है, वो हुई है एक ऐसा ही एप्लीकेशन है जियो मार्ट का और रिलायंस रिटेल का और व्हाट्सएप का, यानी के कुल मिलाकर इसको आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में देश भर के करोड़ों जो भी किराना दुकानदार हैं उन सब का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और व्हाट्सएप के जरिए ही पूरा लेन देन होगा। तो रिटेल के क्षेत्र मतलब में आगे चलकर बात का लबोलुबाब ये है कि दिखने में ये डील जियो और फेसबुक की है, लेकिन है इसमें व्हाट्सएप भी। देखिए व्हाट्सएप जो है वो व्हाट्सएप फेसबुक का ही हिस्सा है आज की तारीख में, तो व्हाट्सएप एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो कुल मिलाकर ये प्लेटफॉर्म की डील है। अब इसके जरिए होगा क्या होगा? आइए
अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी आप जो आप देख रहे थे इस डील में, अगर रिलायंस चाहता तो ये सारे काम करने के लिए, आप सभी जानते हो रिलायंस को पैसे चाहिए, रिलायंस पैसे चाहता तो डेट के द्वारा भी वो उपलब्ध करवा सकता था मार्केट से लोन लेके, पर उसने समझा कोरोना का माहौल है, रिसेशन चल रहा है, क्यों अपना डेट खड़े कर ले, डेट लेकर कहां इंटरेस्ट भरे, एक काम करते ना भाई, डेट नहीं लेते, कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा करते कि किसी और को ही ले लेते, यानी कि उन्होंने अपना शेयर कम कर दिया और मार्क जकरबर्ग को बोला कि तुम आगे लगा दो। इसका मतलब यहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर आ रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर में उन्होंने डेट को नहीं बढ़ने दिया, बिकॉज डेट बढ़ता तो आज के इस कोरोना माहौल में जहां पे वर्ल्ड रिसेशन की ओर जा रहा है, अरे डेट लेके क्या खाक करूं और बैंक को बैंक इंटरेस्ट बता रहा हूं। सोचो आज तो ये माहौल है, पता नहीं आगे धंधे चलेंगे या नहीं, और एक साल चलेगे दो साल चलेगे नहीं, बैंक तो बोलेगी लाओ भाई इंटरेस्ट। इसलिए बंदा होशियार है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी समझता है इस बंदे को, एफएम को ठीक से जिया है मुकेश भाई आपने, क्या बात है दोस्तों। आप समझ रहे होंगे ये चैप्टर जो मैं आपको गो, इस चैप्टर ये चाहता तो मैं थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा के ये सब थ्योरी बता के आपको बहुत जोरों में बोर कर सकता हूं, पर मेरी नीति माता ये नहीं कि मैं आपको परेशान करूं, मैं चाहता हूं आप सारी चीजों को प्रैक्टिकल समझे, एकदम अच्छे समझे, आपको दिमाग में एकदम एक एक चीज को समझना आपको बेहद जरूरी है। तो बताएंगे दोस्तों अभी हम लोग प्रोक्योरमेंट में है कि इन्वेस्टमेंट में, प्रोक्योरमेंट में कितने चैप्टर्स देखे, फिर जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आएगा, फिर अभी तक के जो तीन चैप्टर मैंने बताया ना आपको वो कम से कम 15-20 दिन में पढ़ाता हूं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ाऊंगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाऊंगा, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आराम से 15। सर इतना क्या पढ़ाते उसमें, उसके बहुत सारे एक एक चैप्टर में 30 प्रॉब्लम है, 40 प्रॉब्लम है, उनको हमें एक एक को सॉल्व करना होगा। और मेरी आदत है मैं कभी होमवर्क नहीं देता हूं, मैं सारी चीजें क्लास में करवा के लेता हूं, इतना मजा आएगा ना। आज मुझे शुरुआत करना तो एक चैप्टर से मतलब मजा आ जाएगा आपको। आज हम लोग शुरुआत करने वाले लेवरेज चैप्टर से, क्या बोला मैंने, लेवरेज टेकिंग एन एडवांटेज। आओ देखते हैं इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कुछ एग्जांपल देख मैं शुरुआत करता हूं, इसको विस्तार में तो हम लोग कल पढ़ेंगे, पर आज मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम है लेवरेज। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, आओ बच्चों क्या नाम इसका, लेवरेज। चलो बताओ बच्चों, जरा मैं एग्जांपल जो दे रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। चलो मैं यहां का नाम लिखता हूं सेल्स, सेल्स और एग्जांपल कोई भी कंपनी का ले लीजिए। सेल्स यहां पे है मान लीजिए 1000, उसमें से मैं माइनस करता हूं यहां पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट, मान लो 400 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, आप पैसे बचे 600, उसको मैं कॉन्ट्रीब्यूशन कह देता हूं, ये चीजें आपको पता होगी। फिर माइनस मैं फिक्स्ड कॉस्ट करता हूं, मान लो फिक्स्ड कॉस्ट है मेरा 300 रुपए का, और अब ये बचेगा मेरा EBIT, ये बचेगा 300 रुपए। सर अभी ये एग्जांपल जो दे रहे हो क्यों दे रहे हो, ये एग्जांपल आपको समझाएगा लेवरेज किसको बोलते हैं, एक एग्जांपल सिर्फ देने दो बस। चलो मान लो कंपनी ने अपने 1000 रुपए का सेल अगर 2000 कर दिया तो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा या कम होगा देवांश, कितना है 40% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 2000 के इसमें कितना हो जाएगा 800, बचे कितने, बचे 1200। श्योर अबाउट दिस, ओके। अब बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट भी डबल हो जाएगी, क्यों, अरे भाई सेल 1000 का 2000 हो गया तो आपने वेरिएबल कॉस्ट डबल कर दी, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी डबल कर दो, 300 के 600 हो जाएगा। नहीं सर, उसका नाम ही क्या है, उसका नाम है फिक्स्ड कॉस्ट, इट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, इसीलिए इट विल रिमेन 300 ओनली। एंड व्हाट इज द प्रॉफिट नाउ, व्हाट इज द EBIT 900, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस, थोड़ा सोचिए इसको ध्यान से देखिए। आपका सेल जो है ना वो 100% से बड़ा है तो EBIT भी 100% से बढ़ना चाहिए था, पर दोस्तों वो 300 के बदले 600 होना चाहिए, पर वो 600 नहीं हुआ 900 हो गया, यानी कि सेल आपका दुगना हुआ और EBIT आपका 3 गुना हुआ। इसी को तो कहते हैं लेवरेज, इसीलिए तो लोग पागल है पागल अपना सेल्स बढ़ाने के लिए। दोस्तों हर कोई इंसान यही चाहता है कि मेरा सेल्स बढ़े, मेरा सेल्स बढ़े, भले ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती होगी फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, और वो मार्जिन खाना इसी को ही लेवरेज कहते हैं। अब देखो, यानी कि आपने अगर देखा होगा, आपने देखा होगा ये 200% से अपना EBIT बढ़ा हुआ है और सेल कितने से बढ़ा है 100% से, यानी कि आपको क्या मिला है
लेवरेज। वैसे होना क्या चाहिए था, 100% से सेल बढ़ा तो आपका EBIT 100 से बढ़ना चाहिए था। अगर 100% से अगर आपका EBIT 100% से अगर आपका सेल बढ़ता और आपका EBIT भी 100% से बढ़ता तो मैं बोलता था लेवरेज एक है। इस समय लेवरेज एक नहीं, इधर ध्यान से देखिए, इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको आप बताएंगे, इधर कॉन्सेंट्रेट करना, एक एग्जाम्पल में आपको सारी चीजें समझ जाएगी। ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर, लेवरेज दुनिया में तीन टाइप के लेवरेज होते हैं। सर आपके इस चैप्टर को डिटेल में भी पढ़ाएंगे, भाई आने वाले 5 दिन में इसी चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है लेवरेज, मान लो 4 दिन पढ़ाने वाला हूं। आज इसकी शुरुआत है, पर आज मैं आपको किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहा हूं, ये प्रोक्योरमेंट है। आज आपको समझना है थोड़ा सा अच्छे से और डिटेल में, हम लोग इसके ऊपर और भी बहुत जाएंगे पर कंसेप्ट आज समझ लेंगे। क्या लिखा है, कितने लेवरेज है यहां पे, तीन लेवरेज है। कौन से, DOL, DFL and DCL, degree of operating leverage, degree of financial leverage and degree of combined leverage। ज्यादा अंदर नहीं, थोड़ा सा जाएंगे। अब देखते हैं यहां पे क्या लिखा है, degree of operational leverage, उसमें क्या फॉर्मूला दिया है, percentage change in EBIT upon percentage change in sales। चलो ये भी जाने दो, उसका मतलब देखते हैं, what is the meaning of degree of operating leverage, taking advantage of operations of business that is operating fixed cost, यानी कि आपके बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट का फायदा उठाओ, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। चाहे आपका धंधा 1,000 से 5,000 हो जाए, चाहे 1,000 से 10,000 हो जाए, आपकी कॉस्ट जो फिक्स है इट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। इसी का तो आपको एडवांटेज उठाना है, और इसी का तो एडवांटेज उठा रहे हैं कौन, नाम तो सुना होगा, बाबा रामदेव। आज के इस घड़ी में मैं आपको लेवरेज समझाऊंगा बाय टेकिंग एन एग्जांपल, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन ऑफ इंडिया, बाबा रामदेव। ऐसा कौन इंसान है जो इनके बारे में नहीं जानता है, आपने सभी ने सुना है बाबा रामदेव। आप इन कंपनी के बारे में जानते हो, पतंजलि, जिन्होंने दिन दोगुना रात चौगुना अपने बिजनेस को टर्नओवर को बढ़ाया। आइए इस व्यक्ति को मिलते, अगर हम लोग एफएम सब्जेक्ट पढ़ रहे, लेवरेज पढ़े, लेवरेज चैप्टर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया होगा बाबा रामदेव ने। कैसे सर, क्या किया, बाबा रामदेव ने लेवरेज चैप्टर पढ़ा, बाबा रामदेव को समझाया हमारा 1,000 से सेल बढ़ेगा, 100% से अगर सेल बढ़ता है, 1,000 का 2,000 होता है तो प्रॉफिट तो 300 का 600 होना चाहिए था, पर प्रॉफिट तो 300 का 900 हो रहा है। तो बाबा को जब ये समझा कि जब मेरा सेल एक प्रमाण में बढ़ रहा है, जरा देखिए इधर, इधर देखो, इधर देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो बाबा को क्या समझ में आया जो आपको भी समझना चाहिए था। बाबा ने सोचा कि मेरा जो है परसेंटेज चेंज इन सेल्स, क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ऊपर लिखता हूं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, यानी कि अगर मैं डॉल कहता हूं, जरा एक थोड़ा समझ लो फिर प्रैक्टिकली और समझेंगे। सेल मेरा कितने से बढ़ता बच्चों, सेल मेरा 100% से बढ़ा था, 1,000 का 2,000 हुआ। फिर बच्चों बताओ ईबीआईटी कितने से बढ़ा, 100% मैं कहता अगर वो 300 का 600 हो रहा, पर वो 300 का 900 हो गया, यानी कि मैं इसको 200% कहता हूं, यानी कि मैं कहता हूं कि डिग्री ऑफ लेवरेज 2 है। इस 2 का मतलब समझा दो मुझे क्या है, इस 2 का मतलब क्या हुआ, यानी कि मेरा अगर सेल एक प्रमाण में बढ़ता है तो प्रॉफिट 2 प्रमाण में बढ़ता है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, सेल कितने से बढ़ा, एक प्रमाण से, तो प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा, एक प्रमाण से नहीं, 2 प्रमाण से। इसका मतलब क्या होना चाहिए, आपने जितना ज्यादा सेल किया, बोलो सेल किया, उससे कहीं ज्यादा प्रमाण में उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसका मतलब कंपनी शुड फोकस मोर ऑन व्हाट, मेकिंग मोर सेल्स। यही तो काम करती है एयरलाइन कंपनीज भी। सोचिए एयरलाइन कंपनीज का कितना फिक्स कॉस्ट है यार, कितना कॉस्ट है, वो जो बड़ा सा उन्होंने हाथी पार्क का एयरक्राफ्ट, उसकी कीमती 500-500 हजार करोड़ की आती है, जिसकी फिक्स कॉस्ट इसका होता है इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन तो चलना ही है चाहे धंधा हो। तो ऐसे लोग जो जिसकी फिक्स कॉस्ट होती ना, सोचो इसीलिए तो आज आपको समझ में आ रहा होगा कि एयरलाइन बिजनेस वाले कम कम सस्ते में टिकट बेच बेच के अपना सेल क्यों बढ़ाते हैं, बिकॉज वो जितना सेल बढ़ाए गए उससे कहीं गुना ज्यादा प्रमाण में उनका EBIT बढ़ा, क्योंकि इनकी फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम। देखो पैसेंजर 1 जाए या पैसेंजर 400 जाए, इंटरेस्ट तो उतना ही लगना है, डेप्रिसिएशन तो उतना ही चलना है। तो बताओ वो ज्यादा महंगे में पहले पहले, देखो सस्ते सस्ते में टिकट देते फिर एंड में बढ़ाते हैं, पर वो सस्ते में टिकट देते क्यों, बिकॉज उनको पता है जितना ज्यादा सस्ते में देंगे जितना ज्यादा सेल होगा उस प्रमाण में नहीं, उससे कहीं गुना ज्यादा प्रमाण में उनका EBIT बढ़ेगा। इज इट ओके, अंडरस्टैंड करो, बाबा रामदेव से मिलो यार, बाबा रामदेव को नहीं मिलेगा तो क्या होगा। आइए
आइए देखते हैं बाबा आपके सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आपके काम की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके लिए जो बेहद अहम है। सबसे पहले बाबा रामदेव की दुकान अब ऑनलाइन हो गई है, मतलब अब आप Amazon, Flipkart से भी पतंजलि के उत्पाद खरीद सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको परेशान करने वाली खबर ये कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं, यानी आपके घर का बजट थोड़ा गड़बड़ाने वाला है। वहीं इंडिगो का एक और नया कारनामा सामने आया है, गोवा हज यात्रा के लिए सब्सिडी नहीं मिलेगी, जाना पड़ेगा। ये भी आपको बताएं कि पहले है जिसको पूरी तरीके से अब खत्म प्रोडक्टिव यूज मुस्लिम समुदाय के लिए खर्च हो उनके बच्चों को पढ़ाई देना चाहिए कि ये पैसा किस सेक्टर में लगाया जाए। और मामले के तूर पकड़ने के बाद इंडिगो ने अपनी सफाई भी जारी की है। कंपनी ने कहा कि बोर्डिंग गेट 10:25 पर बंद हो गया। देखिए ये वाली बात, एक्विजिशन के बावजूद और रुचि सोया का भी 13,000 करोड़ का पिछले साल का लगभग रेवेन्यू था, हम इस बार उसको कोशिश करेंगे कि 14,000 से 15,000 करोड़ के बीच में लेकर के जाए। सर, रुचि सोया का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा ओवरऑल पतंजलि ग्रुप के रेवेन्यू में? देखिए अभी पतंजलि स्वतंत्र रूप से एक ब्रांड के रूप में रहेगा, और रुचि सोया एक अलग ब्रांड है और उसके सब ब्रांड्स के बारे में मैंने बात की। दोनों की मिलाकर के करीब 20-25 करोड़ उपभोक्ताओं तक हमारी रीच है और आने वाले 2-3 सालों में 50 करोड़ उपभोक्ताओं तक रीच करना हमारा लक्ष्य है। नया प्रोडक्ट्स कुछ लॉन्च कर इस जो वीडियो चल रहा है उसका हेडिंग देखिए, बाबा रामदेव पतंजलि ग्रुप एमिंग एट 25,000 करोड़ रेवेन्यू। 25,000 करोड़ एक जमाने में जो कंपनी जिसका रेवेन्यू 500 करोड़ हुआ करता था, अब उसका रेवेन्यू बढ़कर 25,000 करोड़ हो रहा है। आपको लगता है इसके पीछे क्या है, क्यों इंसान इतना सेल बढ़ा रहा है? बिकॉज उसको पता है कि मेरी जो मशीनरी है, फॉर एग्जाम्पल उसका घी का फैक्ट्री है, देसी घी बिल्कुल बहुत शुद्ध घी बनाते हैं, इसका फैक्ट्री का कॉस्ट ऑलरेडी लग चुका है। उसको मालूम है कि मैं चाहे जितना भी घी बना दूं, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम, इसीलिए घी का सेल वो बढ़ाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं बाबा रामदेव के इस डेटा को हम लोग आपके सामने रखेंगे ताकि आपको और चीजें डिटेल में समझ में आएगी। सर, इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए जो आपके सामने है। इट रेवेन्यूज फॉर 2016-17 क्रॉस्ड 10,000 करोड़ फ्रॉम नियरली 500 करोड़ जस्ट 6 ईयर्स अगो। 500, आप देखो 500 करोड़ से इन्होंने 4 साल के अंदर अपना सेल कहां पे पहुंचा है, 10,000 करोड़, यानी कि सेल कितने गुना बढ़ा है, 500 करोड़ का 10,000 मतलब 20 गुना सेल बढ़ा है। पर क्या आपको लगता है इनका EBIT भी 20 गुना बढ़ा होगा या उससे ज्यादा गुना बढ़ा होगा? सोचने की बात, ज्यादा बढ़ा होगा, बिकॉज बाबा की जो कॉस्ट है, कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट, इट विल रिमेन सेम। इसीलिए चाहे वो एयरलाइन कंपनी हो या पतंजलि जैसी कंपनी हो जिनका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत लग चुका होता है ना, दे गो क्रेजी फॉर मेकिंग बिगर सेल्स। इसीलिए तो ज्यादा सेल लाके, ज्यादा सेल बढ़ा बढ़ा के ये लेवरेज प्राप्त करते हैं। इसलिए तो कहता हूं आप सभी से कि सेल करना क्यों ज्यादा जरूरी है, अब आपको समझ में आ रहा हो। इसलिए हम कहते कि FM सब्जेक्ट को समझना जरूरी है, हम जो ने समझा है FM सब्जेक्ट को, बाबा रामदेव ने इस सब्जेक्ट को समझा, और इस सब्जेक्ट को समझा इसलिए तो सेल्स को बढ़ाया, वरना इस इंसान को क्यों वो लगा दिया हमने, कनेक्ट हुआ देख। आ गया, ओके, चालू कर दूं, चालू करूं क्या?
ओके गाइस, आई एम सो सॉरी जो डिस्टर्बेंस हुआ, आज ये फर्स्ट लेक्चर है तो मुझे खुद को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे इंटरनेट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बट डोंट वरी, कल से इट विल गो स्मूथ, ठीक है ना। ओके, सो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि एयरलाइन के धंधे की बात कर रहा हूं, सिवाय इंडिगो के कोई भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है क्योंकि इनकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है। फिर आपसे मेरा सवाल है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट इन लोग की ज्यादा है तो इनको लेवरेज तो ज्यादा होगा, पर लेवरेज ज्यादा इसका मतलब अच्छी बात है? कैसे अच्छी बात है? कि जितना सेल चाहे कितना भी हो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम। फिर आप कहेंगे सर ये तो उनका लेवरेज ज्यादा है तो उनका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो कांस्टेंट होगा, वो जितना सेल करेंगे ज्यादा तो उनका फायदा होगा, फिर ये लोग बर्बाद क्यों है? आंसर क्या है इसका देवांश? सेल अगर ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा दोस्तों, पर अगर मान लीजिए इतनी ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट है और सेल आपकी पहले से कम हो जाए ना, तो दोस्तों आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कम नहीं होगी, सेल्स कम होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, तो इसलिए लेवरेज ज्यादा होगा तो क्या अच्छी बात है? जितना ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट, वापस बोलो, जितना ज्यादा, बोलो जितना ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट, जितना ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट उतना लेवरेज ज्यादा, जितना ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट उतनी लेवरेज ज्यादा, क्या मैं कह सकता हूं उतनी रिस्क ज्यादा? क्यों सोचो मैंने क्या भारी बात बोली, जितना ज्यादा लेवरेज यानी कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं ज्यादा है ना, यानी कि इसका मतलब यह होगा कि उसने ज्यादा सेल किया बाबा रामदेव जैसा तो वह बहुत ऊपर आएगा, पर यदि उसका सेल कम हुआ तो इसका अर्थ यह है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी रहेगी और सेल कम हो जाएगा। सेल कम होगा इसका यह मतलब नहीं कि फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाएगी, उसको सेल बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आज एयरलाइन के धंधे में इतनी कंपटीशन इंटेंस हो गई है कि इनके इनके सेल्स कम हो गई है और उनकी फिक्स्ड कॉस्ट इज रियली वेरी हाई, और जिसकी वजह से इन लोग का पूरा का पूरा लॉस हुआ। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आपको इस समझाना मतलब आप जैसा कोई नहीं, अगर आप दो कंपनी के बैलेंस शीट देख रहे हो, सोचने की बात है, दो कंपनी के आपको दोनों में से एक ही कंपनी में पैसे लगाना है, एक का लेवरेज 2 है एक का लेवरेज 4 है, किस में पैसे लगाओगे? दो है एक का लेवरेज 4 है, यानी कि एक का लेवरेज 4 है यानी कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये एक से एक वहा है, आपको दोनों में से एक कंपनी में पैसे लगाना है। चलो अपन अपने 100 करोड़ है, अपने को पैसे लगाना है, और अपन कहां गए? moneycontrol.com पे गए, उनके फाइनेंशियल्स अपन चेक कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था आपको पता होना चाहिए कि किसी की बैलेंस शीट को कैसे रीड किया जाता है और किसी फाइनेंशियल्स को कैसा रीड करते हैं। अगर मान लो ये एक्स कंपनी वाई कंपनी है, इनके लेवरेज की बात करते हैं और सिर्फ लेवरेज ही एक डेटा अवेलेबल है, ये 2 का लेवरेज 4 का लेवरेज है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहां पे 1 रुपए का सेल बढ़ा या एक प्रमाण में सेल बढ़ा तो ईबीआईटी 4 गुना बढ़ता है, यहां पे 1 प्रमाण में सेल बढ़ा तो इसका ईबीआईटी 2 गुना बढ़ता है। आप मुझे बताओ किसकी फिक्स्ड कॉस्ट आपको ज्यादा लगती है इसमें से? ऑब्वियसली जिसका ज्यादा लेवरेज होता है उसकी फिक्स्ड ज्यादा होगी और जिसका लेवरेज कम है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ धंधा चले ना चले उनको उतनी फिक्स्ड कॉस्ट तो बेयर करना ही है, यानी कि आप बताओ रिस्की कौन सा हो गया? जिसका 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 ज्यादा लेवरेज है उसका रिस्क ज्यादा है, और जिसका लेवरेज कम है उसका फिक्स्ड कॉस्ट कम है इसलिए उसकी रिस्क भी कम है। देखकर ऐसा लगता ना लेवरेज ज्यादा तो लगाओ लगाओ उस कंपनी में पैसा लगाओ, ऐसा नहीं करते बेटा, लेवरेज ज्यादा है मतलब नालायक, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है और उसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है मतलब से मरने को डाल रहे हैं उसकी कंपनी में, इतनी फिक्स्ड कॉस्ट है, वो फिक्स्ड कॉस्ट कब पैसे निकालेगा और कब वो प्रॉफिट बदलेगा? इसीलिए लेवरेज को समझना आना चाहिए, वरना लोग कहते हैं लेवरेज अच्छा है, 1 गुना सेल बढ़ा तो 4 गुना उसका ईबीटी बढ़ेगा, अरे नालायक पहले ये समझ ले वो इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज उसकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसे धंधे में पैसे बाद में लगाने के, पहले उन धंधों में पैसे लगाओ जिसकी लेवरेज कम है। समझे आप? मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी अंडरस्टूड, मतलब देख क्या लगता है इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड, जिसका लेवरेज ज्यादा साला लगाओ पैसे उधर, ऐसा नहीं है। लेवरेज चैप्टर जब पढ़ रहे हो तो आपको पतंजलि समझ में आना चाहिए, आपको एयरलाइन इंडस्ट्री समझ में आना चाहिए। अरे एयरलाइन के लगी पड़ी है यार, कहां रेल बर्बाद हो गए लोग, फिक्स्ड कॉस्ट इतना बड़ा हाथी पालते हैं, इतने एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की कीमत 1000 करोड़ की होती है, उसमें इतने खर्चे उनके, इतना इंटरेस्ट है उसका, डेप्रिसिएशन उतना है, तो इन लोग को बचना मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको सब, तो इन्वेस्ट कहां पे करेंगे आप जिसका लेवरेज कम है या ज्यादा है?
जिसका तो इन्वेस्टमेंट कहां पे करना चाहिए आपने? इन्वेस्टमेंट आपने यहां करना चाहिए, यहां नहीं करना चाहिए। समझ में आया? तो बता दो दोस्तों, पहली बात तो वापसी, ये लेवरेज चैप्टर के शुरुआत में आपको बताई है, डिटेल में तो बहुत पढ़ना है, इसे मुझे आपको बताना था कि आखिर क्या लेवरेज है, कितना इंटरेस्टिंग है सुनने के लिए। तो बताओ बच्चों, अभी तक हमने लेवरेज में क्या देखा? चलो इस एग्जांपल को हम लोग पहले समझते हैं और फिर आपको लिखा भी है। बताओ बच्चों, सेल्स कितना हुआ? 1000 का हुआ, तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 400 रुपए। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? 600। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 300। तो ईबीआईटी कितना हुआ? 300। पर अगर उसी कंपनी, मान लो ये बाबा रामदेव को एग्जाम्पल ले लो, मैं ऊपर लिख देता हूं पतंजलि, और पतंजलि ने अपना सेल कितने से बढ़ाया? 1000 करोड़ से 2000 करोड़ कर दिया, तो वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ेगी? डबल हो जाएगी, बिकॉज वेरिएबल तो जितना सेल में तो उसके प्रपोर्शन, उसका नाम ही वेरिएबल है, तो 400 का 800 हो जाए, यानी कि कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1200। अब मुझे बताओ फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? 300 या 600? फिक्स्ड कॉस्ट का नाम ही क्या है? फिक्स्ड है, इट विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स। तो बताओ यहां ईबीआईटी कितना हुआ? 900। आप मुझे बताओ कितना परसेंटेज सेल्स बढ़ा? 100%। ईबीआईटी कितने से बढ़ा? 200%। बराबर है? तो इसका मतलब क्या, लेवरेज कितना है? जब मेरा सेल 100% से बढ़ता है तो मैं ईबीआईटी 200% से बढ़ता है, यानी कि एक प्रमाण में सेल बढ़ जाए तो ईबीआईटी 2 प्रमाण में बढ़ जाता है। यानी कि मैं इसका फॉर्मूला है जो आपको समझा रहा हूं, इसको फॉर्मूला बोलते हैं। देखो ऐसे मेरे पास देखो डॉल का फॉर्मूला, कितने पर, देखो नीचे डिनोमिनेटर और एक होता है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर कितने परसेंटेज चेंज मेरा सेल में हुआ, नीचे कितने परसेंटेज सेल में चेंज हुआ, तो बदले में कितना परसेंट ईबीआईटी में चेंज हुआ, तो नीचे क्या आएगा? सेल कितना चेंज हुआ, बदले में ईबीआईटी कितना, क्योंकि सेल बदलेगा तो ईबीआईटी बढ़ेगा, सेल ही नहीं बदला तो ईबीआईटी कैसे बढ़ेगा, तो कितना परसेंट मेरा ईबीआईटी, कितना परसेंट मेरा सेल बढ़ा, बदले में कितना परसेंटेज मेरा ईबीआईटी बढ़ा, तो नीचे कितना आएगा? 100% क्या मेरा सेल बढ़ा, बदले में ईबीआईटी कितना बढ़ा? 200%। तो ये दो क्या है? व्हाट इज, ये लेवरेज है, डॉल है, पर इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ टू? ये मत बोलो दो है, ये बताओ दो का मतलब क्या है? एक गुना अगर आपका सेल बढ़ा तो ईबीआईटी 2 गुना बढ़ता है। इसलिए बाबा रामदेव क्या करते हैं, सेल बढ़ाएंगे या घटाएंगे? वो जितना बढ़ाएंगे बदले में प्रॉफिट उसके कई गुना ज्यादा बढ़ता रहे। ये बातें समझ में आ रही है? तो मैं चाहूंगा आप लिखेंगे, प्लीज लिखना चालू करिए। चलो चलो लिखते हैं, कम ऑन गाइस, कम ऑन, लेट्स राइट डाउन, कम ऑन। हेडिंग दीजिएगा लेवरेज, हेडिंग दो लेवरेज, बिकॉज इस चैप्टर के मैं अंदर घुसना है, पढ़ना है इस चैप्टर से। लेवरेज, और उसमें सबसे पहले पॉइंट दीजिए डीओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब डीएफएल क्या होता है, डीसीएल क्या होता है, सारी बातें विस्तार में पढ़ेंगे, एक दिन में पढ़ने की जरूरत नहीं, इस चैप्टर को 3-4 दिन लगते हैं। अब मैंने डॉल से शुरुआत की है, ओके, शांति सुनो, प्रैक्टिकली समझो। देखो अगर मैं चाहता तो आपको एग्जांपल देके खत्म करता, पर मैंने आपको पतंजलि घुसेड़ा बीच में, फिर एयरलाइन घुसेड़ दिया बीच में, आपको बाबा रामदेव तक दिखाया। वो बाबा रामदेव का जो दूसरा वीडियो था वो क्या बोल रहा था, बाबा रामदेव ने ई कॉमर्स में एंट्री कर दिया। आप बताए क्यों, क्या इतनी मस्ती बाबा रामदेव को ई कॉमर्स में आने की? बाबा रामदेव ने वो पूरा भाषण मेरे सुना हुआ है, उसमें कहता है बाबा रामदेव कि भाई ई कॉमर्स इसलिए लॉन्च किया बिकॉज आजकल यूथ बहुत ज्यादा है, और इसलिए ई कॉमर्स लॉन्च कर दिया, अब लोग घर बैठे ही पतंजलि चाहते हैं, और ये करने से सेल और बहुत ज्यादा बढ़ेगा, सेल मेरा बढ़ेगा। तो बताओ बच्चों बाबा रामदेव सेल क्यों बढ़ा है? बिकॉज के बस में उसको पता है एक गुना सेल बढ़ाएगा कहीं गुना उसको प्रॉफिट ज्यादा उसके कहीं गुना मिलेगा, इसलिए ही इज मेकिंग मोर सेल्स। ओके, तो अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, डीओएल है ना, आप लिख रहे टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट, टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट। इट मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ, इट मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ irrespective of sales, fixed cost will remain same, fixed cost will remain same, let us understand
विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पतंजलि थ्रू दिस एग्जाम्पल वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई पतंजलि is trying to increase turnover oblique sales turnover sales dono hi ki hota hai why patanjali is trying to increase sales ab chalo ab jo screen pe likha hai aapko likhna hai likho jaldi se जो स्क्रीन पे दिया आपको लिखना है 1000 फिर 400 वेरिएबल कॉस्ट 600 कंट्रीब्यूशन फिर फिक्स्ड कॉस्ट 300 फिर बचे के 300 उस तरह से आपको लिखना है ओके लिखते चलो लर्न एफएम प्रैक्टिकली ओके फिक्स्ड कॉस्ट दोनों भी केस में सेम ही होगी उसको डबल मत कर देना गलती से चलो अब ये लिखने के बाद मैं आपको क्या समझा समझा आपको क्या करना है अब मुझे बताओ हमें क्या निकालना है लेवरेज निकालना है तो लेवरेज का फॉर्मूला क्या है वापस बताओ डीओएल का फॉर्मूला क्या है परसेंटेज चेंज इन नीचे क्या है सेल्स भाई कितना सेल चेंज हुआ तो बदले में कितना ईबीआईटी बढ़ जाता है ना देखो नीचे क्या है देखो लॉजिक फॉर्मूला याद नहीं करते एकदम समझो ये भाई कितना सेल्स बढ़ा तो भाई कितना ईआईटी बढ़ता है तो कैसे लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन सेल्स नीचे आएगा यानी कि डिनोमिनेटर में ऊपर क्या आएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी तो अब बताओ डॉल का फॉर्मूला क्या है अब आप ही खुद लिखोगे लिखो डीओएल इज इक्वल टू ऐसा आपको नहीं याद आता ऐसे लिखिए डीओएल यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स भाई इतने गुना सेल्स अगर बढ़ा तो बदले में ईबीआईटी कितना गुना बढ़ेगा तो बताओ कितना गुना बढ़ा था अब जरा इधर बताओ सेल्स कितने गुना बढ़ा 1000 से हुआ 2000 यानी कितना गुना बढ़ा हो 100% से बढ़ा तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में 100% अब ईबीआईटी 300 के बदले कितना होना चाहिए 600 होना चाहिए पर हुआ कितना 900 यानी 200% से बढ़ा वो आपको समझता है कि 200 कैसे निकाला बताओ एक बार 300 से कितना ऊपर हुआ हाँ 600 तो कैसे निकालते अगर ये पूछा किसने 200% कैसे है तो बता दो एक बार देखो कैसा भाई 300 था 900 हुआ इसका मतलब क्या है वो 300 पे 600 बढ़ा 300 था ही पर 300 पे कितना बढ़ा 600 बढ़ा तो ऊपर आएगा 600 नीचे आएगा 300 यानी कि ये होगा 200 200% के फॉर्म में समझ में आया मैं क्या बोला और अगर आप कहेंगे वो 100% कैसे आया था क्योंकि वहां पे हमने देखा था वहां पे 1000 सेल था वो 2000 हुआ था यानी कि बढ़ा कितना हो 1000 था 1000 पे 1000 बढ़ा यानी कि 100% वो तो कुछ लोगों के मैथ्स जिनके अच्छे तो उनको समझ गया 100% 200% क्यों लिया अब मैं उनके लिए बता रहा हूं कैसे लिखे 200% कैसे है अब कुछ लोग बोले 300 का 900 होगा तो 300% आना चाहिए भाई 300% नहीं आएगा वो बड़ा कितना होता भाई व्हाट इज करा परसेंटेज चेंज 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 वर्ड क्या चेंज आई डिड नॉट से मैं वर्ड क्या करा चेंज चेंज 600 हुआ है 900 हुआ है 600 अंदर फिर तुम 600 बोलो ना फिर तुम दो 300% लिख दोगे ऐसा 900 नहीं हुआ 300 पे 600 बढ़े यानी कि चेंज कितना हुआ 900 नहीं 600 हुआ है इसलिए मैंने क्या कहा 300 थे अब 600 बने इस तरह 200% देखो जिन लोगों को डायरेक्टली ऐसी समझ में आया 200% आप दिमाग मत गलाओ इसमें पर जिन लोगों को डाउट कैसे है ना एफएम जब पढ़ते हैं लोगों को बहुत अद्भुत डाउट आते 300% क्यों नहीं लिया
300 लिया, मैंने वर्ड यूज किया चेंज. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नहीं आया तो फिर भी मुझे पूछना बाद में. आई थिंक इट इज डन राइट. तो अभी इसका दो का मतलब था जरा देवांश, क्या होगा दो का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू? एक प्रपोर्शन में बड़ा सेल्स तो ईबीआईटी दो प्रपोर्शन बढ़ता. अगर मैं एक ऐसा बोलूं, अगर लेवरेज एक है तो व्हाट इज द मीनिंग इफ आई से लेवरेज इज वन? इसका मतलब सेल एक गुना बढ़ेगा तो ईबीआईटी भी एक ही गुना बढ़ेगा. ऐसा कब होगा? फिक्स कॉस्ट जीरो होगी, देयर इज नो फिक्स कॉस्ट. और ऐसे कंपनी में अपने गधों पैसे लगाना चाहिए. उसका ऐसा मत बोलो यार, ये बेचारे का एक लेवरेज है, पागल. अच्छी बात है, फिक्स कॉस्ट जीरो है उसकी, अच्छी बात है. ऐसा धंधा, ऐसे धंधे दिखने को मिलते हैं तारीख में, जीरो कॉस्ट ही नहीं है उसको, फिक्स कॉस्ट. नहीं समझ में आ रहा है? मतलब जिसका जिसका लेवरेज एक अच्छा है क्या दो अच्छा है? जिसका लेवरेज एक है वो अच्छी क्या नहीं अच्छी? चलो एक काम करते, मैं आपको पूरा डिटेल, दो का मतलब लिख दो, लिखो हिंदी में लिखते, एक प्रमाण में, इंग्लिश में भी लिखूंगा, एक प्रमाण में सेल अगर बढ़ा, एक प्रमाण में यानी कि एक प्रपोर्शन में, ओके, एक प्रमाण में सेल बढ़ा तो ईबीआईटी दो प्रमाण में बढ़ता है ना, तो ईबीआईटी दो प्रमाण में बढ़ता है. लिखा तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ सेल्स इंक्रीजिंग इन वन प्रोपोर्शन देन ईबीआईटी विल इंक्रीज इन व्हाट? टू प्रोपोर्शन. मतलब प्रमाण बोलते हैं उसको, प्रोपोर्शन बोलो, जैसा भी आपको जो लैंग्वेज को एफएम सर्टिफिकेट इंग्लिश समझे हिंदी समझे वो फर्क नहीं पड़ता, समझना इंपॉर्टेंट है. अब चलो इस बात को मैं आपको समझाने के लिए एक बात, प्लीज प्लीज अच्छे बच्चे देखो, ओ मेरे बच्चों चलो अपन क्या करते, यही एग्जांपल लेते, सेल हुआ 1000, वेरिएबल कॉस्ट कितना था अपना 400, अपना कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 600, माइनस फिक्स कॉस्ट जीरो कर देता हूं, आप देखो जलवा मजा आएगा आपको. ईबीआईटी कितना है 600, अब सेल कितना हुआ 2000, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 800, अभी कंट्रीब्यूशन 1200, फिक्स कॉस्ट जीरो लेते हैं बिकॉज़ फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट ही होगी, अभी कितना बचा 1200. अब मुझे बताओ क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका? आपका सेल बढ़ा है 100% से और आपका ईबीआईटी भी बढ़ा है 100% से. इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट जीरो होती ना, लेवरेज वहां पे वन आता है, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या है डॉल का? अरे बोलो रे नीचे क्या है, अरे बोलो ना नीचे क्या है? इतना चेंज हुआ सेल में तो बदले में कितना ईबीआईटी चेंज हुआ? तो परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन EBIT, कितना परसेंटेज सेल चेंज हुआ था 100% चेंज हुआ था, बदले में कितना EBIT चेंज हुआ? यहाँ पे 100 हुआ यानी कि लेवरेज एक हुआ. ऐसे समय पे बाबा रामदेव को सेल को ज्यादा बढ़ाने की मोटिवेशन नहीं मिलेगी. क्यों? बिकॉज उसको बोला चल ठीक है जितना मैं सेल करूंगा बस उतने ही प्रमाण में मेरा EBIT बढ़ने वाला. केस नंबर वन में क्या था, वो एक सेल बढ़ता था बदले में दो EBIT बढ़ता था. यहां पे क्या हो रहा है, वो जितने प्रमाण में उसका सेल बढ़ाएगा उतने ही प्रमाण में उसका ईबीआईटी बढ़ेगा क्योंकि यहां पे फिक्स कॉस्ट जीरो है. ऐसे धंधे होते हैं ना जहां पे फिक्स कॉस्ट जीरो, बिल्कुल मतलब कि आप मान लो फिक्स कॉस्ट ही नहीं वहां पे, तो फिर उस केस में तो क्या, अगर मान लो सेल जितना बढ़ा ऐसा आपको अद्भुत चमत्कार नहीं दिखा मेरा इतना सेल बढ़ा तो ईबीआईटी इतना बढ़ा, ऐसा नहीं होगा बिकॉज आपका फिक्स कॉस्ट ही जीरो है. तो आई थिंक ये चीज आपको समझना चाहिए. EBIT, एक बात पूछो अब मैं, कौन से कंपनी में पैसे लगाएंगे जिसका लेवरेज वन है क्या जिसका लेवरेज टू है? कौन से कंपनी पैसे लगाएंगे? मैं इन्वेस्टर हूं, यू आर द इन्वेस्टर, आई एम द इन्वेस्टर, अपने उसमें 1000 करोड़ है, दो कंपनी, एक का लेवरेज वन है एक का लेवरेज टू है. नाउ टेल मी वेयर यू विल फाइंड, वेयर यू थिंक यू शुड इन्वेस्ट मोर, जहां पे लेवरेज इन्वेस्ट मोर, कहां पे इन्वेस्ट ज्यादा करोगे? देखो एक लेवरेज है मतलब उसकी फिक्स कॉस्ट जीरो है, यानी कि रिस्क उसकी नहीं है बिकॉज का फिक्स कॉस्ट ही नहीं है. जिसका फिक्स कॉस्ट ज्यादा था उसका लेवरेज कितना हुआ? टू हुआ. तो इसको मतलब ये वाले केस में जब लेवरेज दो है, देखो ना एग्जांपल दो है, वहां पे फिक्स कॉस्ट कितनी थी 300 थी, यहां पे एक है तो इसका फिक्स कॉस्ट कितना है? जीरो है. तो मुझे बताओ जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है
वो धंधा रिस्की क्यों होता है? बिकॉज को झक मार के उतना सेल करना जरूरी हो जाता है, समझ गए आप? और जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है उसको तो सेल हुए है, ना हुए, चलो जानते हैं। लॉकडाउन के समय पे कौन से लोग बर्बाद ज्यादा हुए? अभी देवांश अगर ये सवाल का जवाब तो मतलब गया आज। आप थोड़ा सोचो, आप बताओ कौन से धंधे ज्यादा बर्बाद होंगे जिसका लेवरेज एक है कि जिसका लेवरेज दो है? आप बताओ। चलो मॉल में आपकी एक शॉप है, कोई तो बहुत बड़ा मॉल है आपके शहर में जिसका रेंट जाने वाला है। आप मुझे बताओ कौन से लोग मरेंगे जिसका रेंट, वो लोग जिसका रेंट जाने ही वाला है, इसका मतलब उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है। बताओ बच्चों, इसका मतलब उसका लेवरेज ज्यादा होगा। बताओ वो लोग क्यों मरेंगे? क्योंकि उनका सेल हो चाहे ना हो, उनको तो झक मार के रेंट देना ही है। पर सोचो जिनका रेंट ही नहीं, जिसका फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है, वो बोलेगा भाई मेरे को धंधा नहीं करना, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बोला है, मैं घर पे ही बैठूंगा, मेरा फिक्स कॉस्ट नहीं है कि मेरे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कुछ फिक्स कॉस्ट देना नहीं। पर देखो कौन से लोग तड़प रहे, कौन से लोग धंधा खोल रहे, कौन से लोग दुकानें खोलने की कोशिश कर रहे, जिनका फिक्स कॉस्ट, बिकॉज बेचारे को देना है ना यार। जिनका धंधा नहीं पर भी उसको रेंट भरना है, जिसका धंधा नहीं उसको लेबर कॉस्ट देना, तो क्या बोला? अरे भाई जानते भाई चलो दुकानें खोलो, मरा तो मरा, भारत माता की जय, पर मुझे दुकान खोलना है। पर जिसका लेवरेज एक ही बोलेगा भाई देखो जिंदगी है, जान है तो जान है, क्योंकि वैसे भी मैं घर पे बैठा हूं, मेरा फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं है, खोलेंगे जब खोलना है दुकानें। समझ में आ रहा है? अब अंडरस्टैंड करो, कंपटीशन में लेवरेज के, कोरोना के माहौल में आप बताओ, दिमाग लगाओ, कोरोना के माहौल में कौन से लोग दुकानें खोलेंगे जिसका लेवरेज एक है कि जिसका लेवरेज दो है? जिसका लेवरेज दो है, क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट है, उसको झक मार के दुकान चालू ही नहीं, उसको तो देनी चाहिए, रेंट देना है, इंटरेस्ट देना ही है। इसीलिए अब एक काम करेंगे, ये जो पहले बार केस स्टडी था वह क्या था, ये वाला जो एग्जांपल था वो क्या था, जहां पे हमने फिक्स कॉस्ट ली थी। नाउ लिखो नेक्स्ट पॉइंट पे, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेम एग्जांपल, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेम एग्जांपल वेयर कम ऑन वेयर क्या फिक्स्ड कॉस्ट इज जीरो, फिक्स्ड कॉस्ट is the zero. Let us understand the impact on leverage. देखते हैं leverage के ऊपर उसका क्या impact होगा। अब आपको ये लिखना है, जल्दी लिखो बच्चों। चलो हम आपके लिए एक गाना बजाते हैं, तब तक आपने लिख लिया होगा। ओके, तो लेवरेज कितना हुआ, कितना लेवरेज हुआ इस केस में? फॉर्मूला बोल सकते एक बार, नीचे क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ऊपर क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इस बार कितना है? ये भी 100%, वो भी 100%, एक लेवरेज है। यानी कि क्या प्रूव हो रहा है? जिसका फिक्स्ड कॉस्ट जीरो होता है उसका लेवरेज एक आता है। मतलब कंक्लूजन लिखो, मींस If sales increases in X percentage, sales increases in X percentage, EBIT will also increase. EBIT will also increase. Come on, tell me now. In X percentage.
देखो अब नेक्स्ट आओ उसके आगे. इफ आई एम द इन्वेस्टर, अगर मैं इन्वेस्टर हूं मुझे पैसे लगाना है, इफ आई एम द इन्वेस्टर एंड आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द कंपनी, एनी ऑफ द कंपनी मतलब दोनों का एक, दोनों में से कोई भी, एनी ऑफ द कंपनी, देन ऑन द पैरामीटर ऑफ लेवरेज, ऑन द पैरामीटर ऑफ लेवरेज, विच कंपनी शाल बी सिलेक्टेड, विच कंपनी शाल बी सिलेक्टेड, कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए, चलो अब आपके पास में है हाई फिक्स कॉस्ट के लिए लेवरेज कितना दिया हमने, कितना है 2, और जीरो फिक्स कॉस्ट के लिए कितना है 1, तो इसका मतलब कहां पे रिस्क ज्यादा हुआ, जिसका लेवरेज 1 है कि जिसका लेवरेज 2 है, 2 है, क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे हाई यहां पे लो, किसकी रिस्क ज्यादा है 2, क्यों फिक्स कॉस्ट है, तो उसका रिस्क कैसे होती है वहां पे फिक्स कॉस्ट है, मतलब उसका धंधा चले ना चले, लॉकडाउन भी हो बेचारे को, घर से बेचारे को फिक्स कॉस्ट भरना जरूरी है, इसलिए तो लोग कह रहे थे मरे तो चलेंगे, इकोनॉमी भाड़ में जा रही, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था इस लॉकडाउन में, कोरोना होने के बावजूद भी आप देख रहे हो कई लोग, आपको लग रहा होगा यार क्या इन लोगों को अपने जान की परवाह नहीं है, अरे उनके अंदर जाके देख लिए उनको कितनी आग लगी है, बेचारों का इंटरेस्ट जा रहा है, इधर धंधे बंद है, उनका रेंट जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, फिक्स कॉस्ट उनके माथे बैठ रही है, और आप बोलते लॉकडाउन में घर में बैठे, वो बोलेगा भाई कोरोना से तो बाद में मरूंगा, फिक्स कॉस्ट से मर जाऊंगा, समझे आप, हो गया ओके ओके समझ आते हैं फिर से एक बार आपको जो ये आज आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, ये थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है इसलिए चला है, प्लीज जरूर ये लिख दीजिए जो जहां पे इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, काइंडली प्लीज राइट दैट, आपका लिखकर हो गया इन्वेस्टमेंट कहां पे करना है कहां पे नहीं करना है, ओके सो दोस्तों आज के लेक्चर को समाप्त करने से पहले हम लोग जान लें आज हमने क्या पढ़ा, तो बताएंगे दोस्तों इस पूरे आज के इस चैप्टर में आपको क्या समझा कि एफएम सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स के लिए, 60 मार्क्स के लिए, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में, एक कौन सा होगा प्रोक्योरमेंट और एक कौन सा होगा इन्वेस्टमेंट, 4 चैप्टर इधर से और 4 चैप्टर उधर से, ये आप सभी ने देखा, आपको फिर से मुझे बताना है दोस्तों इसके अंदर जब हम लोग पढ़ रहे थे, इसके अंदर जब पढ़ रहे थे ये जो 4 चैप्टर हमने देखे आज, ये जो देखे हमने 4 चैप्टर, आपको ये जवाब देना है मुझे कि जो पैसे जब हम लोग लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट या इन्वेस्टमेंट, हम जब पैसे लाते हैं उसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट, अब हम जब उसको लगाते हैं उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, आपको जवाब देना है दोस्तों कि हमारी किसकी कॉस्ट किससे ज्यादा होना चाहिए, योर जब हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं तुम्हारे दिमाग में एक बात होना चाहिए कि ये सस्ते में मिले, और जब हम लोग इसको इन्वेस्ट करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि इसके रिटर्न्स ज्यादा होना चाहिए, दोनों का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, बताओ क्या होगा तो ही धंधा करना चाहिए, अगर हम लोग जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिटर्न अगर ज्यादा होगा इससे प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट से तो ही धंधा करना चाहिए, यानी कि प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट 10% है और इन्वेस्टमेंट अगर उसके जहां से जिससे रिटर्न आने वाले है अगर वो 6% है तो ऐसे समय पर धंधा नहीं करना चाहिए, तो बताएंगे दोस्तों प्रोक्योरमेंट के 4 चैप्टर्स कौन से, नंबर 1 एक पहला चैप्टर समझाता है मैं और मयूर अगर धंधा कर रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर समझाएगा कि कहां कहां से पैसे ला सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कहते हैं, दूसरा चैप्टर क्या कहते हैं कि जब भी आप पैसे लाओ तो आप उसकी कॉस्ट जरूर टेक करना, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, बताएंगे देवांश आप बताओ कि सबसे पहले क्या सोचना चाहिए जब भी हम लोग कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसे लाना चाहिए, कौन सी जगह से पैसे लाए जिसकी कॉस्ट कम है कि ज्यादा है, कम है, और तीसरी बात बताओ, तीसरी बात बताओ, तीसरे का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके लिए मैंने आपको रिलायंस की बैलेंस शीट बताई थी, आपको लगता नहीं कि देयर शुड बी प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, अगर ज्यादा डेट लेंगे तो आपकी रिस्क बढ़ जाएगी बिकॉज उसके ऊपर तो आपको देना ही है इंटरेस्ट, क्योंकि आप कमाओ ना कमाओ आपको देना ही है,
ज्यादा ज्यादा अगर इक्विटी करोगे तो आपका आपका जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए देयर शुड बी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, वो समझाने के लिए आता है चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 को समझाते समय मैंने रिलायंस की बैलेंस शीट से आपको समझाया था, देखो यहां पे इन्होंने लोन भी लिया है, देखो इन्होंने शेयर कैपिटल भी किया है, देखो इनका रिजर्व भी है, वो चैप्टर नंबर 3 समझाएगा दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर की हमने कैसा कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। और चौथा चैप्टर आपके सामने आ रहा जिसका नाम है लेवरेज, जिसको हमने अभी डिटेल में देखा, आप थोड़ा सा इसको विस्तार में बताना लेवरेज का मतलब क्या है, मतलब लेवरेज शब्द कब निर्माण होता है, एक से ज्यादा लेवरेज कब बढ़ता है, जब फिक्स्ड कॉस्ट हो रही है, बताओ जिस कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट जीरो होंगी उसमें क्या होगा, लेवरेज 1 होगा। जितनी जितनी ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती है लेवरेज उतना ज्यादा बढ़ता है, और जितना लेवरेज ज्यादा उतनी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा, यानी कि कंपनी की रिस्क उतनी ज्यादा। इसलिए बताओ बच्चों आप कौन सी कंपनी में पैसे लगाएंगे, आप ऐसे ही कंपनी में पैसे लगाना जिस कंपनी में लेवरेज कम है, क्योंकि लेवरेज कम होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी, फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी यानी कि उसकी रिस्क कम होगी। इसलिए दोस्तों आज के बाद में कभी भी आप निवेश करोगे ऐसी जगह पे ही निवेश करोगे जिसका लेवरेज कम होगा, बिकॉज कमाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बिकॉज उनकी फिक्स्ड कॉस्ट वैसे भी कम हो जाती है। आज बताओ कौन सा हमने लेवरेज देखा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज देखा, बताएंगे डॉल का फॉर्मूला क्या है, क्या चेंज तो क्या चेंज, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इतने प्रमाण में सेल चेंज हुआ तो बदले में उतने प्रमाण में कितने प्रमाण में हमारा ईबीआईटी बढ़ता है, तो फॉर्मूला क्या है, ऊपर क्या आएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, नीचे क्या आएगा परसेंटेज चेंज इन व्हाट सेल्स आएगा। तो आप मुझे बताओ जिसका लेवरेज डीओएल 2 है इसका मतलब क्या है, अगर एक प्रमाण में सेल बढ़ता है बोला गया तो आपका ईबीआईटी 2 प्रमाण में बढ़ता है, और जिसका लेवरेज 1 है इसका मतलब क्या है, एक प्रमाण में ही सेल बढ़ेगा तो एक ही प्रमाण में ईबीआईटी बढ़ेगा। आप मुझे बताओ बाबा रामदेव जैसे लोग ज्यादा सेल क्यों करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनकी फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स। इसलिए बाबा जानते हैं चाहे मैं जितना भी सेल कर लूं, 500 करोड़ का सेल था आज बाबा 25,000 करोड़ पे जा रहे हैं, इसका मतलब बाबा को पता है मेरा सेल जरूर बढ़ रहा है पर फिक्स्ड कॉस्ट इज गेटिंग व्हाट कांस्टेंट, सो बाबा इज एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ लेवरेज। आई होप यू गेटिंग दिस, बाबा लेवरेज का फायदा उठा रहे, इसलिए मतलब बाबा हैज अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आप आई होप जितनी भी बातें हमने करी आज एफएम में उसमें एक सवाल मेरा आपसे है, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी आप मुझे बताओ दोनों में क्या डिफरेंस, एक हुआ बर्बाद और एक हुआ आबाद, आप बताएंगे क्या प्रॉब्लम है दोनों में से, दोनों को यह समझ में आया, अनिल अंबानी की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसको प्रोक्योरमेंट करते नहीं आया, अनिल अंबानी की यह प्रॉब्लम थी कि उनको पैसा निवेश करते नहीं आया, उन्होंने एफएम को आधा पढ़ा प्रोक्योरमेंट, उन्होंने क्या नहीं पढ़ा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एग्जैक्ट क्या होता है ये हमें कल के चैप्टर में, कल के हमारे लेक्चर में देखना होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, दैट वी हैव टू चेक टुमारो। आई होप जितना भी हमने पढ़ा यू मस्ट हैव एंजॉयड, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, और आप लोगों से मैं कह रहा हूं कल से वापस हम लोग 10 बजे से लेकर इस तरह से शाम तक पढ़ेंगे। आपको यह भी कह देना चाहता हूं कि सी इंटरमीडिएट में एक दिन में इतनी क्लासेस करेंगे तो ही वी वुड बी एबल टू फिनिश क्लासेस ऑन टाइम, और वैसे हमारा टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं कि हम लोग 70 डेज में पूरा के पूरा पोर्शन खत्म करेंगे, यानी कि 15-20 अगस्त तक आपका पूरा हो जाएगा, यानी कि आखिरी में सितंबर अक्टूबर और अगस्त के 10-15 दिन यानी कि 2.5 महीने आपको मिलना चाहिए। अगर आप कहेंगे सर इतनी आदत नहीं है हम 3-4 घंटों से ऊपर नहीं बैठ सकते, तो आदत आपको डालना पड़ेगी, अगर आदत नहीं डालेंगे तो हम लोग पोर्शन टाइम पे खत्म नहीं कर पाएंगे, एंड इफ वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश पोर्शन ऑन टाइम तो आपको सेल्फ प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आप सभी को मैं ये भी गारंटी कर देता हूं कि यहां पे एफ की क्लास में हम लोग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अभी जैसे लेवरेज को 25-30 प्रॉब्लम लेंगे, हर चैप्टर में जितने मैक्सिमम पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो भी सारी चीज हम लोग क्लास में सॉल्व करते हैं, मैं होमवर्क नहीं देता, मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं करता, मुझे पता है बच्चा घर जाने के बाद में कुछ भी नहीं पढ़ता, मुझे लगता है मेरी क्लास 1.5 घंटे के बदले में 1.25 घंटे करूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं, पर मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा बिकॉज मुझे विश्वास ही नहीं होता कि कोई घर जाके पढ़ेगा। इसलिए क्लास में हमेशा कहते हैं यू वॉन्ट हैव टू स्टडी एट होम, और आपको पढ़ाने के लिए भी कह रहा हूं कि जैसे लेवरेज चैप्टर हो गया और अगला एक चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, वो जैसे खत्म हो जाएंगे हर एक चैप्टर होने के बाद में हम क्या करते हैं उसका रिविजन करते हैं और आईसीए के सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करते हैं। अब उन्हें तो 2-3 दिन लेवरेज जैसे खत्म होगा मैं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व करूंगा और मैं गारंटी करता हूं सॉल्व मैं नहीं करूंगा आप करेंगे, और उस दिन आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि सर सही कह रहे थे कि यार मतलब सर के दिए क्वेश्चन तो हमें आते ही है वो बात अलग है, बट यू विल बी वेरी हैप्पी
टू नो एंड टू अंडरस्टैंड कि मैं तो आईसीआई के क्वेश्चन पेपर जो अभी 2018-2019-20 में दिए आप खुद सॉल्व करोगे, ये मेरा आपको वादा है। सो डोंट वरी गाइस, स्टे हैप्पी, आपको बिल्कुल भरोसा करना है, सारा जो टीचिंग होगा बहुत मजा आएगा आपको। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, फिर मिलेंगे कल सवेरे 10 बजे EISSM के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।